सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करके किसी लाखों रुपये छाप सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करते हैं और वहाँ से लाखों रुपये की अर्निंग करते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अर्निंग करना है, आपको कैसे वीडियो अपलोड करना है, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सबसे पहले जाता हूँ फेसबुक पे और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कपिल शर्मा शो और वीडियो पर जाता हूँ। फिर ऐसे आपको दिखाई देगा कि इतने ज़्यादा व्यू आते हैं इस पर, 1 मिलियन, 9 मिलियन, 4 मिलियन, 9 मिलियन, आप ऐसे देख सकते हो कितने ज़्यादा व्यू आते हैं इस पर। और आपको भी ऐसे अच्छे तरीके से पता है कि जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतने ज़्यादा अपनी अर्निंग बनेगी। तो आप ऐसे देख सकते हो कितने ज़्यादा व्यू आते हैं कपिल शर्मा में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कपिल शर्मा शो कैसे अपलोड करोगे फेसबुक में, क्योंकि आपने कभी अपलोड किया तो आपको आ जाएगा बहुत बड़ा स्ट्राइक, नहीं तो आपका वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे एडिट करना है और कैसे आपको फेसबुक पर अपलोड करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साइड पर बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ ओवर स्क्रीन पर, आप साइट पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूट्यूब ओपन करना है। जैसे हमने यूट्यूब ओपन करा तो आपको यहाँ पर सर्च करना है कपिल शर्मा शो। जैसे कपिल शर्मा शो सर्च करा तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वीडियो मिल जाएंगे। अब यहाँ डाउनलोड कर लेना, आप कौन सा भी डाउनलोड कर लेना, हम उसको एडिट करेंगे। फिलहाल की कोई बात नहीं है, मैं आपको एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ से कौन सा भी डाउनलोड कर लेना, मैंने डाउनलोड कर लिया है तो आपको मैं डायरेक्ट एडिट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर में, तो मैं आपको यहाँ से एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ 16:9। ऐसे क्रिएट पे ऊपर क्लिक करा तो यहाँ से मैं ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है। मैं बैकग्राउंड लेता हूँ वाइट, और आपने वीडियो जितना बड़ा है, जितना न्यूनतम होगा उसके हिसाब से आपको ये जो बैकग्राउंड होता है उसको उतना ही बड़ा कर देना है। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं करता हूँ सिर्फ 1 मिनट तक। तो मैंने यहाँ तक कर दिया है। तो अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ से जो वीडियो है हमारा उसको ले लेना है। तो मैंने कपिल शर्मा शो डाउनलोड करा था, ये रहा, इसको मैंने ऐसा ले लिया। तो मैं यहाँ से जो पिछला जो पार्ट होता है जो बचा हुआ है उसको मैं लिंक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, से डिलीट हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को पूरे स्क्रीन में फिट करने वाला हूँ। तो कैसे करते हैं, नीचे आऊँगा और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शिफ्ट स्क्रीन का नाम का, को उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो ऑफ है उसको ऑन कर देना है। तो मेरा वीडियो अच्छे तरीके से लग गया है, पर आपको यहाँ से दिखाई देगा कि यहाँ पर एक सिम्बल दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे पकड़ के रखेंगे और यहाँ से इसे हम परफेक्ट ऐसे सेट कर देंगे। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि हमने एडिट करा है, कुछ ऐसा ख़राब भी नहीं दिखे दिखना चाहिए, क्योंकि ख़राब दिखा हम तो कोई भी लोग आपका वीडियो नहीं दिखेगा। तो मेरा अच्छी तरीके से लग गया है, आपको यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ हमें क्या करना है कि जो बीच का जो पार्ट होता है उसको डिलीट करना है। मतलब यहाँ से मैं स्लिप करूँगा और थोड़ा सा आगे लूँगा और यहाँ से मैं वही पार्ट डिलीट कर दूँगा। ऐसे करके आपको सारे जो बीच बीच का जो पार्ट होता है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे मैं यहाँ से अब जाता हूँ और यहाँ से कट करता हूँ और आगे जा सकता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा ऐसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उसको ऐसे करके आपको सारे वीडियो पर ऐसे ही इस्तेमाल करना है। मतलब क्या होगा कि अपना जो वीडियो होगा वो अपना ही हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो वीडियो है उस पर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, मतलब हर वीडियो का हमारा कॉन्टेंट बन जाएगा। तो क्या करना है कि थोड़ा सा आगे आना है, इसमें फिर इसमें कट लगा देता हूँ और यासिन थोड़ा सा आगे आके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरा इतना काम हो चुका है। अभी हम क्या करना है कि इसका जो साउंड होता है उसको हमें एडिट करना है। तो क्या करेंगे, अभी इसको इस क्लिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मिक्सर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है और साउंड को बढ़ाना नहीं है, कम कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको रखता हूँ 50 तक। सारे क्लिप के जो साउंड होते हैं उसको मैं 85% रख दूंगा।
ऐसा करके हमारा आधा काम हो चुका है। अभी क्या करना है कि हमें यहाँ से प्रिंटर लगा लेना है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से प्रिंटर का ऑप्शन में शिफ्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कौन सा भी प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ। मतलब हमारा जो वीडियो है पूरा तो पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब हमारे वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसे करके मैं सारी वीडियो पर अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा यहाँ तक हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को मैं सेव करता हूँ और आपको लाइव पर अपलोड करके दिखाने वाला हूँ कि हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आता है या नहीं। तो मैं इसे पहले सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हमें इसे सेव कर दिया है, अभी ये वीडियो सेव हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आप लोगों को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों हमारी वीडियो सेव हो चुकी है, अभी मैं उस वीडियो को फेसबुक पे अपलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट स्टूडियो क्या है कि जो फेसबुक का जो क्रिएटर स्टूडियो के एक ऐप है, जो हम जैसे क्रिएटर्स पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ऊपर के साइड आपको एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपने क्लिक करा तो यहाँ से मेरा वीडियो आ जाएगा, मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, अभी मैं यहाँ पर टाइटल लिख लेता हूँ, कपिल शर्मा शो इन इंग्लिश। और यहाँ से आपको हैशटैग वगैरह लगा देना है। तो मैं यहाँ से हैशटैग लगा देता हूँ कपिल शर्मा शो। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं इसे नीचे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने पेस्ट करा तो यहाँ से मैं मिक्स करता हूँ और यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। जैसे मैंने पब्लिश करा तो आपको अभी दिखाई देगा कि हमारी वीडियो में कॉपीराइट आचा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। मैं आपको फेसबुक पर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आया है या नहीं। मैं जैसे मैं फेसबुक पर गया तो मैं मेरा जो पेज है जहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड करा है वो पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने दोस्तों में पेज ओपन कर लिया है, अभी मैं जाता हूँ पेज में। पर जैसे मैं पेज में गया तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है और मेरे वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट या मेरा वीडियो ब्लॉक नहीं हुआ है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और आपको मैं और एक टिप बताने वाला हूँ कि आपको इस पर जैसे व्यू लाने, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कोई कॉपीराइट भी नहीं आया और कोई भी आपको स्ट्राइक भी नहीं आया। तो आप ऐसे ही वीडियो डाउनलोड करना और ऐसे ही वीडियो एडिट करना, आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आएगा और आपका पेज ही मोनेटाइज हो जाएगा और आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। अभी आता है लास्ट टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वीडियो पर व्यू कैसे लाए। तो आपको क्या करना है कि कपिल शर्मा जी जितने भी ग्रुप है फेसबुक पे आपको ज्वाइन कर देने, कम से कम आपके पास 50 ग्रुप तरह होना चाहिए और उस ग्रुप में आपका जो वीडियो वो शेयर कर देना, आपकी वीडियो पे भी बहुत सारे व्यू आ जाएंगे। मेरा एक पेज है जो मैं हॉरर वीडियो अपलोड करता हूँ और साइड पर देख सकते हो, जब भी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो तुरंत वो मैं उस वीडियो को शेयर कर देता हूँ अलग अलग ग्रुप में कि मेरे वीडियो पे ज़्यादा व्यू आते हैं और मेरे इस पर भी इंप्रेशन आते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप भी ऐसा ही करना और आपके वीडियो को भी जरूर व्यू आएंगे और व्यू आने के बाद आपकी भी अच्छी खासी अर्निंग हो पाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन उसे भी क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।